शॉर्ट वीडियो का दोस्तों बना लिया। दोस्तों आज हम हमारे गांव जोशीना में आए हैं। हमने यहाँ भी एक एनवायरनमेंट लवर की तरफ से एक टीम खड़ी की थी। साल भर पहले हमने हमारे ग्राम पंचायत जोशीना में कम से कम 1.5 या 2 बीघा जमीन ग्राम पंचायत के चारों तरफ बाउंड्री करवाई, गेट लगवाया, तारबंदी करवाई, उसमें इसी तरह 50 पेड़ लगे, इसमें से 20-30 फलदार पौधे भी हैं। और हमने इसमें कम से कम 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये 5 लाख रुपए मेरी माता जी हैं, जो पेंशनर है, विधवा है, उन्होंने अपने 5 साल की पेंशन इस पर खर्च कर दी। हमने अशोक के भी 5-7 पेड़ लगाए। ये देखो अशोक का पेड़ है, ये बहुत अच्छा पौधा है। अशोक का पेड़ लगाना चाहिए, ये उसके वास्तु बहुत दोष को दूर करता है। अर्मेरिया का पेड़ है, छायादार भी पेड़ है, इसका डेकोरेशन बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत सुंदर है। और ये पेड़ भी हमें तो लगाना चाहिए, इसकी जो सजावट है पौधे की तो बहुत अच्छी होती है। हमने हमारी ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत को जिले की सबसे आदर्श ग्राम पंचायत और हरी भरी ग्राम पंचायत बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं पौधों के बारे में, लोगों को जानकारी देते हैं। और हमारी ग्राम पंचायत में हमने पौधे लगाए कि इसकी शुरुआत की है। पहले हम हमारी ग्राम पंचायत को हरी भरी करेंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे, आप भी अपने ग्राम पंचायत स्कूल सब सेंटर गांव के जो छोटे सार्वजनिक संस्थान हैं उनके काम करें। हम भी कोशिश करें हमारे गांव में, हमारी पंचायत में, हमारी तहसील में ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली कैसे पेड़ पौधे कैसे लगे, इस पर हम काम कर रहे हैं। छायादार पेड़ होता है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ये जल्दी बढ़ता है और इसके लाल फूल आते हैं। ये इसका डेकोरेशन बहुत अच्छा है, ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है और फूल इसमें बहुत अच्छे आते हैं। ये पौधा भी लगाना चाहिए, इसमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, ग्रोथ बहुत जल्दी करता है। तो आप इस पेड़ को भी लगा सकते हैं। ये नागचंपा का पौधा है, नागचंपा का पौधा बहुत सुंदर होता है, डेकोरेटेड होता है और इसका जो फूल है उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। लोगों ने एक भ्रांति फैला रखी है कि नागचंपा जहाँ लगता है वहाँ सर्प ज़्यादा आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप नागचंपा को लगाएं तो इसकी डाली आप कहीं से काट के लगा दो, बहुत गंदी लगता है और इसमें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। ये बहुत अच्छा पेड़ होता है और शुभ होता है, ये शास्त्रों में लिखी हुई बात है, इस पेड़ को शुभ मानते हैं, इसको घर में भी लगाना चाहिए। दोस्तों ये बेल है, इसको सेवरा बेल के नाम से जाना जाता है। सेवरा बेल को इसलिए कहा जाता है, इसके जो फूल हैं वो सेवरे के समान होते हैं, तो इसको मधुमालती भी बोलते हैं। हमने हमारी ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत की चारों तरफ ये सेवरा बेल लगी है, इसके फूल बहुत अच्छे होते हैं। तो फूल भी लगे, आप फूल भी देखें। साइप्रस का पेड़ है, साइप्रस का पेड़ बहुत अच्छा होता है, छायादार पेड़ होता है, ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और ये पोल्यूशन कंट्रोल में बहुत कारगर होता है। इससे पोल्यूशन पर पर्यावरण बहुत शुद्ध रहता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएं। और ये सबसे बड़ी बात है, इसमें पतझड़ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा में लगाएं, ये आसपास के वातावरण को बहुत शुद्ध बनाता है।